हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग बोल्ज़ानो-रेस्ट्रॉस थ्योरम को देखते हैं। तो बोल्ज़ानो-रेस्ट्रॉस थ्योरम, जैसा कि हमने पिछले टर्न पे कुछ ऑब्जर्वेशन डिस्कस किए थे अबाउट द लिमिट पॉइंट्स, तो यहाँ पर हमें ये डाउट क्यों हो रहा था कि कोई सेट इनफाइनाइट सेट है तो क्या उसका लिमिट पॉइंट होगा। तो हम उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल प्रोड्यूस करते थे। कोई बाउंडेड सेट है तो इनफाइनाइट सेट, तो उसका लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर अब हमारे पास एक ऐसी थ्योरम आती है जो कि एक सफिशियंट कंडीशन है। किसके लिए? लिमिट पॉइंट के लिए। ओके, सो फॉर द एंड व्हाट इज सफिशिएंट कंडीशन एंड हाउ विल यू वी यूज दिस थ्योरम इनटू द प्रॉब्लम्स दैट वी विल सी। ओके, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? फर्स्ट वी विल रिकॉल, फर्स्ट वी विल नो नो फर्स्ट वी विल लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, दैट इज एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट मस्ट हैज अ लिमिट पॉइंट, मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट। इट इज टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट विल बी अवेलेबल इफ इनफाइनाइट बाउंडेड सेट इज गिवन। ओके, सो वेन एवर यू विल सी द इनफाइनाइट एंड द सेट इज बाउंडेड, देन इट हैज अ लिमिट पॉइंट, दैट इज फॉर श्योर। सो यू कैन यूज दिस रिजल्ट एज इट इज, बिकॉज जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ द सेट इज इनफाइनाइट एंड बाउंडेड, सो दैट इज वाई द सफिशियंट कंडीशन। तो हियर वी विल लुक फॉर द पी इम्प्लाइज क्यू स्टेटमेंट। माई पी स्टेटमेंट इज वॉट? एवरी इन्फाइनाइट बाउंडेड सेट। तो पी स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट प्लस बाउंडेडनेस इन द केस ऑफ सेट्स। ओके, इनफाइनाइट एंड प्लस बाउंडेड सेट, इट विल गिव यू अ लिमिट पॉइंट, बट नॉट कन्वर्सली। ऑल राइट, सो अगर ये चीज़ है, अगर ये फाइनाइट हो प्लस बाउंडेड हो तो ज़रूरी नहीं कि लिमिट पॉइंट हो। बट जब भी इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड सेट आपको मिलेगा, एक ऐसा सेट जो इनफाइनाइट सेट हो और बाउंडेड भी हो, तो उसका लिमिट पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। ऑल राइट, जैसे जैसे हमारे पास एग्जाम्पल, आप सोच सकते हैं इंटरवल के बारे में। इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट एंड इट इज़ वॉट? बाउंडेड एज वेल, बिकॉज दिस इंटरवल कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड बाउंडेड बाई ए एंड बी। ओके, ए इज नेचुरली द लोअर बाउंड एंड बी इज द अपर बाउंड। ओके, सुप्रीमम इनफीमम यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ बाउंडेड सेट एंड इनफाइनाइट, सो इट विल हैव अ यूनिट, इट विल हैव द लिमिट पॉइंट फॉर श्योर। एंड वी हैव डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस सेट। ओके, सो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको ये ध्यान रखना चाहिए। अब रिगार्डिंग द प्रूफ ऑफ द थ्योरम्स, अब हम यहाँ पर जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रूफ्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रूफ इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन रीड फ्रॉम द बुक्स, और जो बुक्स से आप प्रूफ पढ़ेंगे, बिकॉज प्रूफ पढ़ने से हमारे लॉजिक क्लियर होते हैं, हमारे जो एबिलिटी है सोचने की वो बढ़ती है। तो इसलिए हमें प्रूफ को एक बार रीड जरूर करना चाहिए, उसके स्टेटमेंट को समझना चाहिए, दैट फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कैसे लिया, सेकेंड स्टेटमेंट कैसे लिया, थर्ड स्टेटमेंट कैसे लिया, एंड सो ऑन हाउ वी विल गो। तो प्रूफ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज फॉर द इंटरव्यू पर्पज़। ओके, तो अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो थ्रू आउट द सीरीज, जो स्पेशली हम जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, सीएसआर का हो गया, आईटी जैम हो गया, एनीथिंग एनी रिटन एग्जाम जो भी, जिसमें भी मैथमेटिक्स आती है, रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, एनीथिंग, तो वो हम क्या करेंगे कि हम थ्योरम समझेंगे, उसका स्टेटमेंट समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, काउंटर एग्जाम्पल उनको याद करने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी हेल्पफुल। और हमें क्या करना चाहिए, रियल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट है रियल एनालिसिस में, कैसे उसको स्ट्रांग किया जाए, तो सबसे पहला होता है डेफिनेशन। अगर हमें डेफिनेशन टर्म की क्लियर है तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेफिनेशन की मदद से हो जाएंगी। तो डेफिनेशन प्लस उस डेफिनेशन को जो वेरीफाई करे वो एग्जाम्पल, ये दो चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, एग्जाम्पल हमें इसलिए चाहिए ताकि हम डेफिनेशन को प्रॉपरली समझ सकें। द सेकेंड थिंग इज, सेकेंड थिंग, जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स का मतलब क्या हो गया, उसमें थ्योरम भी इंक्लूडेड हैं, थ्योरम्स इंक्लूडेड हैं, कोरलरी, लेमा, वट एवर इट इज, सारी वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनसे हमें कंसीक्वेंस पता लगते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे ये थ्योरम थी, एवरी इन्फाइनाइट बाउंडेड सेट मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट, तो अगर कोई सेट इन्फाइनाइट है और बाउंडेड है तो हमको पता है कि उसका लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। ओके, अब क्या नहीं ट्रू हो सकता,
एवरी बाउंडेड सेट मस्ट हैव द लिमिट पॉइंट, दैट मे नॉट बी ट्रू. एक बाउंडेड सेट आप ले सकते हैं, जैसे एक फाइनाइट सेट ले लिया, बाउंडेड है, लिमिट पॉइंट नहीं होगा. तो ये सारी जो मैनिपुलेशंस हैं, जो हमारे माइंड में जो इसके रिवर्स स्टेटमेंट चलते हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. तो उसके लिए हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? काउंटर एग्जाम्पल. और सबसे लास्ट में जो चीज़ आती है हमारी, वो सबसे लास्ट में जो चीज़ है वो है लॉजिक एबिलिटी. हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है किसी लॉजिक को समझने के लिए. विदाउट लॉजिक अगर आप ये दोनों चीज़ें कर भी लें, तो तीसरी अगर आप नहीं करेंगे तो भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा. लॉजिक एबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेफिनेशन को लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए मजबूर करती है. आप लॉन्ग टाइम तक डेफिनेशन, थ्योरम सब कुछ याद रखेंगे बाय यूजिंग द लॉजिक एबिलिटी. ये कहाँ से आएगा? ये आपको बुक की लैंग्वेज पढ़ने से आएगा कि उसके स्टेटमेंट में क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है. अब कई लोग क्या करते हैं, मतलब उसका कुछ और निकाल लेते हैं. तो स्पेशली ये एनालिसिस में होता है कि उसकी कहाँ कुछ जा रहा है, लेकिन हम अपना मतलब निकाल लेते हैं. तो कभी भी एनालिसिस में, अलजेब्रा में जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं, एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट हैं, इनमें कभी भी आप अपना मतलब ना निकालें. हमेशा जो जो बुक की लैंग्वेज कह रही है उसको उसी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें. और ज़्यादातर जो पढ़ाई है, जो एनालिसिस की पढ़ाई है, अलजेब्रा की पढ़ाई है, उसको कोशिश करिए, क्योंकि बुक की लैंग्वेज इंग्लिश में है, तो ट्राई करिए कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ही समझा जाए. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव फेल्ट इन द प्रीवियस ईयर्स. ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली द रियल एनालिसिस स्पेशली. अच्छा, ये जो बोल्दानो-रोस्टॉक्स थ्योरम जो हमने बताई, ये फॉर सेट्स है, क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस में भी एक थ्योरम है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ लिमिट पॉइंट, बट ये हमारे पास सेट्स में है. तो इनफाइनाइट बाउंडेड सेट मस्ट हैव द लिमिट पॉइंट. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस फ्यू मोर कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द पॉइंट सेट टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर.